सुनाने वाली हूँ एक बड़ी ही डरावनी कहानी लियूसिया नाम की लड़की के बारे में, जो बेकार की बातों और सुपरस्टिशंस पर यकीन करती थी। गर्मियों की रात को उसने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल एक मील चलकर शहर आया था। वह भूखा था, इतना भूखा कि जो मिला उसे खा रहा था। फिर उसने लड़की को देखा और अपने मुंह में उठा लिया। उसे लगा कि वो मजेदार खाना है। लियूसिया डर के मारे जाग गई। उसने अपना कंबल दांतों से दबाया हुआ था और फिर डरते हुए उसने सामने वाले आईने में देखा कि वो डर के मारे हरी पड़ गई थी। ओह, वो सपना कितना भयानक था, बहुत ही डरावना। ये तो एक बुरा शगुन है, लियूसिया ने सोचा। वो घर के बाहर जाने से डर रही थी। अगर सच में कोई क्रोकोडाइल झाड़ियों में छिपा हुआ तो वो उसका खाना नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वो सारा दिन घर पर ही बैठी रही, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे सपने आगे होने वाली बातों का संकेत होते हैं। और फिर अगली सुबह लियूसिया बेड के गलत तरफ से नीचे उतरी, और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे पता था आज कुछ अच्छा नहीं होगा। बाहर का मौसम तो बड़ा ही अच्छा और सुहाना था। पंछी चहक रहे थे और बाहर बच्चे मजे से खेल रहे थे, पर फिर भी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ होगी। लियूसिया ने खुद को आईने में देखा। अब मैं समझी, यकीन नहीं होता मैंने अपनी शर्ट उल्टी पहनी है। ये तो बड़ा ही बुरा शगुन है। ओह, इसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं घर के बाहर निकलूंगी ही नहीं। हो सकता है प्लेग्राउंड में कोई चोर मिल जाए और उसकी मदद कोई लुटेरा कर रहा हो। वो तो मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे और फिर मुझे पीट पीट कर मेरा हाल बिगाड़ देंगे। ओह, बेहतर होगा आज भी मैं घर पर ही रहूं। मुझे तो बाहर टहलने जाने से और खेलने से डर लग रहा है। अगले दिन न्यूज में मौसम की जानकारी देने वाली ने कहा मौसम अच्छा रहेगा, इसीलिए लियूसिया जल्दी जल्दी टहलने जाने के लिए तैयार हुई। वो अच्छा दिखने के लिए अपने बाल सवारने लगी और वो आईने में खुद को निहार ही रही थी, तभी अचानक टीवी पर भविष्य बताने वाला एक जादूगर आया और उसने कहा, जिन लड़कियों का जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ है, आज उनका दिन बहुत ही बुरा जाएगा। घर से बाहर ना निकलो और दूर रहो क्वीन ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट्स से। लियूसिया डर से कांप उठी और आईने को फर्श पर गिरा बैठी। उसके हॉरोस्कोप के मुताबिक उसका जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ था। जो आईना फर्श पर गिरा था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लियूसिया को ये एक बुरा संकेत लगा। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। अगर वो बाहर निकली तो हो सकता है कि वो अपनी साइकिल से गिर जाए, या फिर बरामदे में एक वोल्केनो निकल आए, या फिर पार्क में तेज तूफान आकर उसको उड़ा ले जाए। आज मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मेरा घर पर रहना ही बेहतर होगा। और हर एक दिन हर तरह के संकेतों और सुपरस्टिशंस की वजह से लियूसिया डर के मारे घर पर रहती। दिन निकलते जा रहे थे और गर्मियां खत्म होने ही वाली थी, और सुपरस्टिशियस लियूसिया ने अपना पूरा वेकेशन अपने बंद कमरे में गुजार दिया था। दिन निकल गए थे। स्कूल के पहले दिन पर लियूसिया ने देखा कि उसके पास खड़े उसके दोस्त बड़े ही खुश और तरोताजा लग रहे थे। उसने अपनी सारी छुट्टियां बुरे सुपरस्टिशियस और संकेतों से डरने में बिता दी थी, जबकि दूसरे बच्चे पार्क में मजे से खेल रहे थे। सिर्फ लियूसिया ही अपनी सारी छुट्टियां बिगाड़ने पर तुली हुई थी। उन सुपरस्टिशियस संकेतों का कोई भी मतलब नहीं था। उसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई थी। उसे इस बात
अफसोस था। उम्मीद है आप बेचारी ल्यूसिया का हाल समझ गए होंगे। एंजॉय करना हो वेकेशन तो दिमाग से निकालो सुपरस्टिशन। मतलब है मैं जरा भी बड़ी नहीं हुई। जरूरत है।
खड़े कैसे हो गए? सच कहूँ तो मुझे बड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बताओ क्या मैं पहले जैसी हो गई? चलो हम ये बात चेक कर लेते हैं। हाँ, छोटा होना ही सबसे अच्छा होता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जैसे कि गंदे डरावने मॉन्स्टर्स या डरावने सपने। हाँ, हमें बहुत डर लगता है, पर कभी किसी ने उन्हें असल जिंदगी में देखा नहीं होता है। पर एक लड़का उनसे मिला था। मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ था। एक वक्त की बात है, एक जगह थी जिसे सब छोड़कर चले गए थे, वो थी एक ट्रैक्टर फैक्ट्री। अब हुआ यूँ था कि उस लड़के ने अपने टॉय ट्रैक्टर का स्कूप खो दिया था और उसे यकीन था कि उसे दूसरा स्कूप उस फैक्ट्री में मिल जाएगा। और एक दिन दोपहर के वक्त घर के बड़ों की नजर से बचते हुए वो वहाँ पर चला गया। लड़के ने फैक्ट्री की दीवार पार की और उसने देखा अपने सामने फैली हुई एक लंबी बिल्डिंग। हर तरफ टूटे हुए खंबे पड़े हुए थे और सारी खिड़कियाँ टूटी हुई थी। सभी लाइट्स बंद थी और टूटे हुए टावर की एक छोटी खिड़की में एक छोटी लाइट चल रही थी। वो लड़का उस टावर पर चढ़ने लगा और वहाँ उस कमरे में आईने के सामने वाली टेबल पर एक बड़ा ही बदसूरत मॉन्स्टर आराम से बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बाल थे। उसने आईने में खुद को देखा और फिर होठों पर लिपस्टिक लगाई एक पेंटिंग रोलर से। उसके लिए बस एक ही शब्द याद आता है, भयानक। लड़के को डर के मारे हिचकी आ गई और सन्नाटे में उसकी आवाज इतनी तेज आई कि वो मॉन्स्टर डर गया और वो रोलर उसके मुंह में जा गिरा। डर के मारे वो लड़का भागा, सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। और उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे आ पहुंचा था एक गीली गंदी अंडरग्राउंड गुफा में। उसने आसपास देखा, अरे बाप रे बाप, वो बैठे हुए थे एक दूसरे के सामने कुछ बक्सों पर, दो मॉन्स्टर्स, और उनके पास खड़ा था एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। वहाँ पर केबल लपेटने वाली एक लकड़ी की रील पड़ी थी और वो उसे पटके जा रहे थे जोर जोर से। और अचानक वो मॉन्स्टर जिस पर बहुत सारे स्केल्स थे और जिसका सिर एक पाइक जैसा था और पूंछ एक सांप जैसी, उसने जोर से रील को पटका और कहा, मैं जीता। और वहां बैठा हुआ दूसरा मॉन्स्टर जिसने अपनी सूंड को कंधे पर डाला हुआ था हंसने लगा इतनी बुरी तरह से कि उसे सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि उस पर कीड़े रेंग रहे हों। फिर दोनों मॉन्स्टर्स ने मूंछों वाले आदमी को उठाया और उसे सिर पर मारने लगे। वो लड़का जो बुरी तरह से डर गया था किसी तरह उस अंडरग्राउंड गुफा से बाहर निकला और उसने खुद को एक वर्कशॉप में पाया। हर तरफ सन्नाटा था और अंधेरा हो रहा था, पर दूर कहीं पर कुछ लीक हो रहा था टप 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 करते हुए। और फिर उसने देखा वर्कशॉप के बीचों बीच था एक सिंहासन जिस पर लगी थी खोपड़ी और हड्डियाँ, और उस पर बैठा था एक राजा जो खुद एक शेल में था और उसके हाथ में थी एक लेजर सॉर्ड। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी और उसका रंग गुस्से से और भी हरा हो गया। फिर अचानक ही लाइट्स ऑन हो गई और किसी की पतली सी आवाज सुनाई दी, रुको रुको रुको, ये अजीब सा बच्चा हमारे कैमरा के सामने कैसे आ गया? मिस असिस्टेंट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे माहौल में शूटिंग नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए।
चाहिए। कहीं ऊपर से एक कैमरा प्लेटफॉर्म पर लगाया हुआ कैमरा नीचे लाया गया और तब सिंहासन पर बैठे हुए राजा ने अपनी लेजर सॉर्ड को एक तरफ फेंका और गुस्से से कहा, फिर से एक ब्रेक, अब तक 150 टेक्स हो चुके हैं। असल में वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और लड़के को इसका एहसास तब हुआ जब मूंछों वाला आदमी उसे बाहर छोड़ गया। वो सारे मॉन्स्टर्स तो एक्टर्स थे, वो असली नहीं थे और वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे। तो फिर मैं एक बुद्धू की तरह उनसे क्यों डरूं? तो मेरे दोस्तों, किताबों और फिल्मों के सभी मॉन्स्टर्स सब के सब नकली होते हैं, बस एक कहानी, किसी के दिमाग में आया हुआ एक ख्याल। और अगर आपको एक असली मॉन्स्टर देखना हो तो एक मक्खी को देखिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से।
और क्या तुमने हाथ धोए? करूं कुछ करना होगा, कुछ तो करना ही होगा। और कोई चारा नहीं, मुझे तुमसे अलविदा कहना ही होगा। जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठना है कि मैं जल्दी अपने प्रेजेंट्स देख पाऊं। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं?
पुरानी बातें याद न आती, आंखें झपकते बीत जाए, जनवरी से दिसंबर चली जाती, वक्त ये आगे बढ़ता जाए, जो भी है पल वो बस यही है, पल ये दोबारा कभी न आए, दिल में रखो अच्छा बेहतर जो है, अलविदा बोले ये पल निकले जाए। फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट संग बिताओ, दोस्तों के पुराने दोस्त होते हैं सबसे बेस्ट, पल कभी जो बीते ना वो है प्यारा प्रेजेंट, और जो आने वाला पल है वो है सबसे बेस्ट। गया देखो फ्यूचर है पास, पल बीते जाए हिम्मत ना हारे, याद करो वो पल जो पल था खास, यादें चमकते जैसे तारे। फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट संग बिताओ, दोस्तों के पुराने दोस्त होते हैं सबसे बेस्ट, पल कभी जो बीते ना वो है प्यारा प्रेजेंट, और जो आने वाला पल है वो है सबसे बेस्ट। सब मेरे सबसे पुराने दोस्त हो, मेरे प्यारे खिलौने। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगी, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं लेगा। कोई बात नहीं, मैं अब भी एक अच्छी बच्ची हूँ। छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब अभी हो जाओ शुरू।